मुझे और सतीश को निकाला गया वहाँ से, और फिर उसके बाद हमें लिटरली 2 घंटा INA मार्केट के इर्द गिर्द घुमाया गया बोलते हुए आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि जैम है। हर एक रास्ता खुला था जहां से हम लोगों को आधे घंटे के अंदर पहुंचा सकते थे, बट लिटरली वहां पे लेट किया गया। उसके बाद जब तक हम लोग जोरबाग पहुंचे, हमें फिर से पुलिस से ये नोटिफिकेशन आया, आपने तो काफी लेट कर दिया, अब तो डेलीगेशन हो पाएगी कि नहीं पता नहीं। हमने बोला कि हम बोले थे पुलिस को डिटेन करने के लिए, नहीं हमने तो नहीं बोला था कि आप डिटेन करके मुझे और सतीश को वहां पे रख दो या बाकी स्टूडेंट्स को रख दो जिसके वजह से आप डेलीगेशन लेने ही जा पा रहे हो। और हमने क्लियरली बोला कि आज अगर डेलीगेशन नहीं जाएगा तो स्टूडेंट्स भी यहाँ से नहीं हटेंगे। आप ऐसे बार बार अगर सोच रहे हो कि आप स्टूडेंट्स के साथ ऐसे करके JNU के स्पिरिट को तोड़ सकते हो तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड था कि हम लोग जाएंगे डेलीगेशन से मिलेंगे और आके रिपोर्टिंग देंगे। स्टूडेंट्स वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से स्ट्रीट में बैठे हुए थे, मैंने वहाँ पे खुद एड्रेस किया, सतीश ने एड्रेस किया और उसके बाद हमने रिपोर्टिंग भी की। यहाँ पे बसेस है तो तब स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बोला कि आप लोग जाइए मिलके आइए और रिपोर्टिंग कीजिए, तब तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे। हमने बोला ठीक है, हम डेलीगेशन से मिलके आ रहे हैं। जब तक ये बोले और हमें लिया गया जाया गया लिया जाया गया पीछे के तरफ, हमें समझ में भी नहीं आया, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लाइट ऑफ हुई। और जब तक समझ में आया तब तक समझ में आया कि पुलिस ने ऑलरेडी लाठीचार्ज कर दी है और हमारे जो साथी थे उन पर लाठीचार्ज हो चुकी है। और ये इतना गंदा था कि चारों हम ऑफिस बेरस को पीछे ले जाया गया बोल के कि आपको डेलीगेशन की तरफ ले जा रहे हैं, और हम चारों को सेपरेट कर दिया गया पुलिस द्वारा कि हम लोग चारों से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। आई वॉज थैंकफुल दैट आई गॉट अ जर्नलिस्ट फ्रॉम PTI, शी वॉज देयर, आई वॉज सर्चिंग फॉर, वेन आई गॉट टू सी हर शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने उससे पूछा कि तुमने साकेत, सतीश, दानिश किसी को देखा? बिकॉज मुझे अलग कर दिया गया है, मुझे नहीं पता है कि मुझे डेलीगेशन के नाम पे पीछे ले जाया गया और यहाँ पे कोई नहीं है बाकी यूनियन ऑफिस बेरस, क्यों ऐसा हो रहा है? जब तक मैं उनके साथ गई, उसके बहुत देर बाद एक SCP आया और मुझे बोले नहीं आपको तो डेलीगेशन के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन तब तक हम जब चार लोग मीट की, उसके 5-10 मिनट बाद हमें समझ में आया कि ये टैक्टफुली किया गया कि हम चारों को सेपरेट कर दिया जाए, हम लोग स्टूडेंट से भी ना मिल पाए ना हम चारों अपने आप मिल पाए। और उसके बाद वहाँ पे आधा घंटा 15-20 मिनट हमें वेट करवाया गया। उसके बाद हम लोग ले गए शास्त्री भवन, जहाँ पे हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन GC हुसूर से मिले, उनसे लगभग आधे घंटे से ऊपर बातचीत हुई, हमने अपना मेमोरेंडम दिया, एक्सप्लेन किया। और एक चीज मैं मीडिया के सामने बताना चाहूंगी जो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कल रजिस्ट्रार को एक कमिटी जो फॉर्म हुआ है वहाँ पे रजिस्ट्रार को बुलाया गया बातचीत करने के लिए। जितना डिपार्टमेंट से बात होके पता चला कि रजिस्ट्रार हैज इवन डिनाइड टू मीट द कमिटी। दिस इज द ग्रेव कि MHRT के तरफ से एक हाई पावर कमिटी बैठाया जाता है, जो भी कमिटी है उसमें रजिस्ट्रार इज डिनाइड टू इवन मीट द कमिटी। तो ये जब कंडीशन है तब कौन सा जस्टिस आप हम JNU स्टूडेंट्स को दे पाएंगे? जब आपके रजिस्ट्रार, आपके नियुक्त वाइस चांसलर आपसे ही मिलने के लिए तैयार नहीं है और आप बार बार हमें बोल रहे हो कि आप अपना स्ट्राइक खत्म कर दीजिए। क्यों हम स्ट्राइक किस बात पे खत्म करें जब आपके हाई पावर कमिटी इज नॉट रेडी इवन टू टॉक, द रजिस्ट्रार इज नॉट इवन रेडी टू टॉक टू अवर हाई पावर कमिटी। इसके बाद हमने काफी लंबा बात किया वहाँ पे, हमने बोला ये स्ट्राइक तभी खत्म होगी जब MHRD की तरफ से कोई डायरेक्शन वाइस चांसलर को दिया जाएगा और वाइस चांसलर विल इमीडिएटली रोल बैक। इफ द वाइस चांसलर इज नॉट रेडी, द MHRD एंड द कमिटी शुड इमीडिएटली कम आउट विद अ स्टेटमेंट दैट टिल एनी फर्दर नोटिस दिस ड्राफ्ट इज टेकन बैक, आइदर इट हैज टू हैपन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और इट टू हैपन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द MHRD कांट कम आउट विद एक्सक्यूजेस कि वाइस चांसलर हमारा नहीं सुन रहा है। अगर वाइस चांसलर नहीं सुन रहा है, हमने क्लियरली बोल दिया दिस वाइस चांसलर मस्ट रिजाइन इमीडिएटली एंड क्योंकि ये मजाक JNU स्टूडेंट के साथ नहीं चलेगा। और अगर मिनिस्ट्री को लग रहा है कि कल जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया है, इस तरीके से डरा के धमका के हम लोग डर जाएंगे और हम लोग बैठ जाएंगे चुप, तो हम क्लियरली MHRD को कल बोल के आए हैं कि JNU के स्टूडेंट्स मानने वाले नहीं है जब तक आप रोल बैक नहीं करते। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से आप पुलिस यूज करके हमें चुप करवा देंगे तो ये नहीं होने वाला है। आज एक बार नहीं, JNU के स्टूडेंट्स बार बार पार्लियामेंट घेरेंगे अगर जब तक ये रोल बैक नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है, आपको
इनकन्वीनियंस हो रही है, आपकी वाइस चांसलर बात अंदर नहीं सुन रही है, तो उस वाइस चांसलर को मत रखिए, उसको हटा दीजिए इमीडिएटली, क्योंकि वो वाइस चांसलर कोई काम का नहीं है। थर्डली जो इम्पोर्टेंट बात हमने बोली है कि जिस तरीके से रिजर्वेशन को स्कटल किया गया है, जो कोई भी मीडिया अभी के तौर पे एकदम नहीं इसको हाईलाइट कर रहे हैं, SC ST OBC रिजर्वेशन को हॉस्टल मैनुअल से हटा दिया गया है, PWD रिजर्वेशन को, इसको मीडिया से अपील है कि आप लोग हाईलाइट कीजिए कि हमारे हॉस्टल्स में पहले के मैनुअल में देर वॉज रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड PWD स्टूडेंट, उसको इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया, जिसको हमने MHRD में बोला कि दे कांट स्कटल रिजर्वेशन। तीसरी बात, 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर ऑफ दी हॉस्टल फी, जो हमने बोला ये नहीं हो सकता, बिना मीटिंग किए हुए आप बोल रहे हो अगले साल से इस साल का जो रेट रहेगा अगले साल से 10% अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये भी हम किसी भी तरीके से नहीं सुनने वाले। चौथा चीज, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का पेमेंट JNU के स्टूडेंट्स के मेस बिल में ऐड किया जाएगा, ये भी हमने MHRD के पास बोला कि ये भी हम लोग नहीं कर सकते, एक इंस्टीट्यूशन में आप इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का सैलरी को स्टूडेंट्स के मेस बिल के साथ नहीं जोड़ सकते। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो MHRD के साथ लंबा बात भी हुआ कि किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट्स को एकदम टारगेट किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नोटिसेस भेजा जा रहा है, और उसी नोटिसेस के तहत अगले टाइम फाइन दिया जाएगा। एक एक स्टूडेंट को अभी तक शायद 10-11 नोटिसेस आ चुके हैं, चाहे इनका इंक्वायरी ऑफिस फंक्शन कर रहा है ना कर रहा है पता नहीं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली मेल्स पे नोटिस भेजे जा रहे हैं एक एक स्टूडेंट को टारगेट करते हुए कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। तो MHRD की तरफ से JNU SU का एकदम क्लियर वो था कि MHRD शुड डायरेक्ट द कमिटी दैट ऑल नोटिसेस सर्व टू स्टूडेंट्स वेदर इट्स विद इन द यूनिवर्सिटी और आउटसाइड, अगर FIR करने की कोशिश किया जा रहा है इस मूवमेंट की वजह से, उसको इमीडिएटली विदड्रॉ किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कोई भी कार्रवाई स्टूडेंट्स के खिलाफ इस मूवमेंट के दौरान नहीं होगा, इट शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एक रुपया फाइन या नोटिसेस में नहीं, इंक्वायरीज में नहीं जाएगा, एक भी रुपए का फाइन नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज अ मूवमेंट फॉर अ जस्ट कॉज। और यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू टारगेट स्टूडेंट्स, इसको कतई हम लोग एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको क्लियर शब्द से हम लोग MHRD से बोल के आए हैं। और अभी तक वर्बल एश्योरेंस छोड़ के MHRD की तरफ से हमें कुछ मिला नहीं है। मैं अपने ज्यादा बात को नहीं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बाकी साथी है जो अपने एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे ये समझने के लिए किस तरीके से ब्रूटलिटी हुई है। कल एक JNU विजुअली चैलेंज फोरम की तरफ से भी आप लोगों के पास मैंने शेयर भी किया है, कल एक प्रोटेस्ट का कॉल उन्होंने भी दिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मीडिया जो पर्सनल आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया के बंधु, आप लोग प्लीज इसको कवर कीजिए कि एक स्टूडेंट मूवमेंट, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट मार्च जो पीसफुली निकला था ये बोलते हुए कि 22 दिन से JNU अपने कैंपस के अंदर लड़ रहा है इसी बात के लिए कि उसके स्टूडेंट्स पढ़ पाए, क्योंकि अगले एक महीने में वो सारे हजारों स्टूडेंट्स इस कैंपस के बाहर हो जाएंगे, उस टाइम पे ये हालत किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, ये हालत किया जाता है। उसके बाद प्रेस रिलीज दिल्ली पुलिस के पास से आता है कि टीयर गैस तो हमने यूज नहीं किया, वाटर कैनन हमने यूज नहीं किया, लाठी चार्ज नहीं यूज किया, तो स्टूडेंट्स ने क्या खुद को मारा? ये रियलिटी दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है जब वो अपने हक के लिए, अपने पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं। और जो सारे मीडिया यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हैंडफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्लियरली बोलना चाहते हैं कि अगर आपको अभी भी लग रहा है हैंडफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना नैरेटिव थोड़ा चेंज कीजिए।